सागर नगर पालिका मकरोनिया में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को लेकर भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकाली गई। तय समय सीमा में निराकरण किए जाने से गुस्सा है सैकड़ों कांग्रेसियों ने। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मकरोनिया के तत्वावधान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी की अगुवाई में स्थानीय मकरोनिया चौराहे पर एकत्रित होकर हाथों में तिरंगे झंडे लेकर तख्तियों और ढोल धमाकों के साथ नगर पालिका मकरोनिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकाली। मकरोनिया चौराहे से सैकड़ों कांग्रेसियों का हुजूम जमकर नारेबाजी करते हुए शव यात्रा लेकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जैसे ही निकला तो शव यात्रा के दहन को लेकर कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसियों के आगे पुलिस विवश नजर आई और पुलिस को शव यात्रा का दहन रोकने को लेकर भारी मशक्कत करना पड़ी। नतीजन कांग्रेसियों ने शव यात्रा का दहन किया। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम किया गया था आज? जिस तरीके से इस जिला प्रशासन ने और शासन ने नगर पालिका के सीएमओ को खुले भ्रष्टाचार के लिए छोड़ रखा है, आज जो यहाँ नगर पालिका में गंदगी व्याप्त है, भ्रष्टाचार के लिए सारी नालियाँ, सारी सड़कें, सारे के सारे आवाम खुले पड़े हुए हैं। हम लोगों ने समय समय पर कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर पालिका प्रशासन को, जिला प्रशासन को चेताया, बतलाया कि नगर पालिका मकरोनिया में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को रोकने में जिला प्रशासन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और आज बहुत महत्व के बिंदु को गुमराह करते हुए विधायक की चापलूसी करने के लिए, मंत्री की चापलूसी करने के लिए सीएमओ नगर पालिका जिस तरीके से आज स्वच्छता सर्वेक्षण की राशि को लुटाने का काम कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उसकी हकीकत दिखाने को लेकर हम लोगों ने आज इस प्रशासन की सब यात्रा निकाल कर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करने का अभियान छेड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोगों ने आज मकरोनिया चौराहे पर इस यात्रा सब यात्रा का पुतला दहन करते हुए चालू की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।